हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू रॉन चैनल मशीन मेड कैड कैम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस कोड के बारे में, यानी यम कोड के बारे में, जिसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं M00 के बारे में। M00 क्या है? एक कोड है, मशीन कोड है, यानी मिसलेनियस कोड है, जो हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है, जिसमें कि स्पिंडल ऑफ हो जाता है, कूलांट ऑफ हो जाता है, और प्रोग्राम को हम वापस अगर चलाना चाहें तो साइकिल स्टार्ट देके चला सकते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक से वो शुरू हो जाएगा। दूसरा जो आता है हमारा M01, इसका भी सेम काम है, बट ये क्या करना पड़ता है कि जब हम इसको एक्टिव करते हैं, यानी प्रोग्राम में कहीं पे लिखते हैं M01, तो हमको कंट्रोल पैनल से हमारा जो M01 का, यानी ऑप्शनल स्टॉप का जो स्विच होता है, वो हमको ऑन करना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोग्राम से रोकना है तो आपको M00 का उपयोग करना पड़ेगा। तीसरा है वो हमारा स्पिंडल का है, मतलब हमको स्पिंडल क्लॉकवाइज घुमाना है, तो M03 लिखना है, उसके साथ में उसके पहले S लिखना है, S में आएगा कितना RPM लिखना है, इसके बाद हमारा ये डायरेक्शन है, मतलब M03 मतलब क्लॉकवाइज एंड M04 काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम उसको बोल सकते हैं। ये दोनों स्पिंडल के डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और हमारा M05 है कि स्पिंडल को हम स्टॉप करने के लिए M05 यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट जो आता है वो है M06। M06 में हम क्या करते हैं कि हमको टूल चेंज करना हो तब इस कोड का यूज करते हैं। इसके पहले हमारा टूल नंबर आता है, टूल नंबर वन आया, टूल नंबर वन M06, तो हमारा टूल नंबर एक को लाके टूल में सीधा होल्ड कर देगा। सपोज़ दो नंबर का बुलाना है तो दो नंबर को इसके पहले लिखना पड़ेगा T02 M06, तो दो नंबर का ला देगा। फिर इसके बाद का एक कोड आता है M08 और M09, ये दोनों हमारे कूलांट चालू करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास पूरी लिस्ट है, यहाँ से M01 कूलांट यहाँ तक, M08 M09 ये यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब दूसरा जो है M10 11 12 13 14, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे काम के ज़्यादातर नहीं है, पर हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है अभी वो है यहाँ पे M98 और M99, जिससे हम सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं। 97 यानी लोकल सब प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम नंबर होगा जिसको 97 से कॉल करेंगे, और दूसरा अगर प्रोग्राम नंबर है उसको हमको मेन प्रोग्राम में कॉल करना है, तो हम M99 का यूज़ करते हैं। बाकी हाथ में बहुत सारे कोड हैं जिसका अलग अलग समय पे उपयोग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।